इतने दिनों के बाद ना, दिन नहीं साल के बाद हम लोग बंगाली से मिले। यहाँ पे सब बंगालीज हैं, मैक्सिमम बात कर रहे हैं। और बाद मींस यू हैव स्पोकन विद लाइक बंगाली पीपल, हाउ इट फील्स? बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस इमोशन। बंगालीज कहीं भी चले जाए दे विल डेफिनेटली मिस कोलकाता, और ये कहीं भी नहीं होता, दैट्स फॉर श्योर। महाशिवरात्रि, तो शिवरात्रि के अवसर पर तो बहुत लोग मतलब सभी मंदिर जाते हैं और शिव जी को जल चढ़ाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे अभी निकल रही हूँ, पहले तो मैं फिलहाल जाके देख के आऊँगी क्योंकि मतलब जल मतलब कब चढ़ाएंगे, कब क्या पूजा होगा, ये होगा। तो पहले मैं जाके अभी रेडी हुई हूँ, सुबह सुबह पहले मैं जाके देख के आऊँगी कि दूध चढ़ाया जा सकता है कि नहीं, पानी चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं हर मंदिर में। तो पहले देख के आऊँगी, उसके बाद जाके मैं रेडी होके नहा धो के साड़ी वाड़ी पहन के जाके वहाँ पे जो भी रिचुअल्स हैं वो करूँगी। तो लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है और शिवरात्रि में क्या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा वगैरह ये सब पूजा पाठ करना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ एक मिस कर दिया, टुडे इज़ वुमेन्स डे एज वेल, 8 मार्च। तो हैप्पी वुमेन्स डे टू ईच एंड एवरी वुमेन इन दिस वर्ल्ड, आप सब अप्रिशिएटेड रहे। मैं यही चाहती हूँ कि लड़कियाँ हमेशा अप्रिशिएटेड रहे, सेल्फ डिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप जॉब करें, कुछ भी करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मेन की फॉर अ वुमेन टू होल्ड हर सेल्फ। और मेरे को यही लगता है कि आप कोई भी काम कीजिए बहुत कॉन्फिडेंटली कीजिए, एंड मतलब कॉन्फिडेंट। और ना लड़कियां जैसे होती है ना कि मतलब होता है ना ताकत की प्रतिमा, और धैर्य, पेशेंस एंड स्ट्रॉन्ग, तो उन्हीं से ना घर बनता है। और एक लड़की को देख के या औरत को देख के ही घर के सारे परिवार डिपेंड करते हैं कि हाँ ये है हो जाएगा। स्ट्रेंथ एंड दैट कॉन्फिडेंस शुड बी देयर इन ईच एंड एवरी वुमेन। कभी भी किसी भी चीज़ को देख के वीक नहीं होइए, हर सिचुएशन का सामना कीजिए, फेस कीजिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आती जाती रहती है, बट क्या हुआ है ना कि हमको एकदम स्ट्रांग रहना ही है। देयर इज़ नो स्पेस फॉर वीकनेस और डाउनफॉल ऑफ अ वुमेन, शुडन्ट बी देयर, कभी नहीं होना चाहिए। आप ज़रूर गिरते हैं, बट द मोमेंट आप गिरते हैं आपको उठ जाना चाहिए। तो ये मेरा मतलब दिल से दुआ है हर लड़कियों के लिए, हर औरतों के लिए, बी स्ट्रांग एंड बी कॉन्फिडेंट। मीनवाइल बैंगलोर का वेदर इतना ख़राब हो रखा है, माई गॉड, मतलब सबको हम लोगों को तबीयत ख़राब, मतलब ठंडी गर्मी, सर दुखना, मेरी बेटी के नाक से खून निकल रहा है। आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, बट अभी यहाँ का तो रात को फैन ना चलाओ तो गर्मी लगती है, अगर चलाओ तो ठंड लगती है। सुबह उठकर पूरा आँख सर वगैरह दुखने लग जाता है। एनीवेज गाइज, तो चलिए देखते हैं। सुबह सुबह मैं निकली हूँ, अभी पैदल पैदल ही जा रही हूँ क्योंकि पास ही में है, एक बार देख लेती हूँ। यहाँ पे मंदिर में मैं अंदर में मैंने वीडियो तो नहीं किया, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि शाम को 7 बजे पूजा होगी, तो अभी कुछ नहीं होगा, शाम को ही आना पड़ेगा। तो हर जगह यही है, शाम को ही पूजा होगा, तो यहाँ पे सुबह अलाउ नहीं करेंगे पानी या दूध चढ़ाने के लिए, तो इवनिंग में ही आएंगे। और ये पूजा का फूल लेके आई हूँ मैं, यहाँ पे सुबह कुछ नहीं करने देंगे शाम के पहले। सो मैं क्या करूँगी, ये पूजा का फूल पंडित जी ने दिया है, बोला है शाम को आ जाओ। तो मैं अभी मेरे घर में ही जो है शिवलिंग है उन्हीं पे पानी चढ़ा लूँगी, दूध चढ़ा लूँगी, नॉर्मल जो पूजा है वही कर लूँगी, क्योंकि शिवलिंग है तो करना ही पड़ेगा। तो वो करके शाम को देखते हैं, शाम को निकल के जाके मैं पूजा करूँगी। अपने ड्रेस में मेरी बेटी के लिए भी थोड़ा सा भगवान का जो वो है ना दिया आरती, वो मैं लेके रखी हूँ, मैं उसका कमरे में जाके मैं उसको भी थोड़ा सा दे दूँगी, शायद उठ रही होगी। सो घर का पूजा एकदम ही सिंपल टाइप से ही मैंने किया, सिंपल तरीके से, क्योंकि मेरे घर में शिवलिंग है और मेरी जो सास थी, मदर इन लॉ, वो करती थी, तो जो जो भगवान है मेरे घर में उनको तो मेरे को जल चढ़ाना ही पड़ता है। यहाँ पे पंचामृत मैंने बना के रखा है, दूध में वो डालते हैं ना शहद, घी वगैरह सब कुछ डाल के मैंने बना के रखा था भगवान जी के लिए। उसके बाद फिर मैंने घर के जो शिवलिंग है उनको अच्छे से नहला धो के उनको साफ सफाई करके पूजा वगैरह कर दिया मैंने, क्योंकि जल चढ़ाना रहता है यहाँ पे ना शिवलिंग में वगैरह, मतलब जल डालने नहीं देते बहुत सारे मंदिर है। तो मुझे तो जब तक मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ मुझे पता नहीं है कि जल चढ़ाने देंगे कि भी नहीं, तो क्योंकि मिल्क डाला जाता है पंचामृत के साथ, तो मैंने घर ही में ये कर दिया। जो भी रिचुअल था मेरे भगवान जी को मैंने दे दिया, मेरे छोटे छोटे मोटे जो भी हैं मेरे शिवलिंग जी भगवान जी जो हैं उनको दे दिया मैंने,
उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग चले गए भारत सेवाश्रम, जो यहाँ पे जो मंदिर है ना वहाँ पे देखिए ये बंगाली स्वीट्स है, एकदम बिल्कुल कोलकाता का स्टाइल का ही है। सौंदेश वगैरह सभी जो बंगाली से वो रिलेट कर पाएंगे, सारे मिठाई जो हैं सौंदेश वगैरह यहाँ पे जितने भी मिल रहे हैं सब बंगाली स्वीट्स है। तो बहुत दिनों के बाद, वैसे तो दुर्गा पूजा में यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे स्वीट शॉप देखने को मिला, वहाँ से हम लोगों ने स्वीट ले लिया भगवान जी के लिए। ये मंदिर है एंट्रेंस, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। सो हम आ गए हैं अभी भारत सेवाश्रम मंदिर जहाँ पे दुर्गा पूजा हुआ था। तो पहले अंदर जाते हैं, अंदर जाके फिर मैं वीडियो करती हूँ। सो ये एंट्रेंस है, मैं डर डर के ही फोटो मतलब वीडियो कर रही थी क्योंकि बहुत जगह वीडियो अलाउ नहीं होता, लेकिन ऐसा तो अभी हुआ नहीं है आज तक कि बैंगलोर में कहीं पे भी वीडियोग्राफी करने के लिए मना किया हो। यूजुअली साउथ में बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, हर जगह ही रहता है बट साउथ में ऐसे मना करते हैं। तो मैं बहुत डर डर के ही कर रही थी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रतिमाएँ हैं, बहुत सारी तरह तरीके के मतलब भगवान जी रखे हुए हैं यहाँ के जो लोकल हैं, और शिव जी भी हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं अपनी बारी के लिए, सब लाइन में खड़े होकर सब पूजा वगैरह दे रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा ही वो किया है, मतलब नियम बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप पहले मंदिर में अंदर एंट्रेंस करने के बाद यहाँ पे दिया बत्ती जो भी है आप जला सकते हैं, फूल फल वगैरह लोग बहुत सारे लेके गए थे। मैं तो यहाँ पे इस बार मैंने देख लिया, नेक्स्ट टाइम से मैं भी लेके जाऊँगी। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं अंदर जाने के लिए, ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ से घुसने देते हैं 5-5 लोगों को। तो मैं सिर्फ स्वीट्स ही लेके गई थी और भगवान का दक्षिणा लेके गई थी कि नेक्स्ट टाइम से मैं फूल फल वगैरह सब लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या है, लेके जाएंगे फिर वेस्ट हो जाएगा, करने नहीं देंगे, तो मुझे आइडिया नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे चले गए, चले जाके अच्छा लगा। बाकी ये बहुत बड़ा सा मंदिर है क्योंकि दुर्गा पूजा में हम लोग नीचे आए थे ना, तो ऊपर का हम लोगों ने देखा नहीं था। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मंदिर है। एक्चुअली साउथ में सभी को पता है कि मंदिर इतना अच्छा बनाते हैं, इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं साउथ में ना, ये बहुत स्पेशलिटी है। तो हम लोग आ गए, हमारी बारी आ गई। तो मैंने मेरी बेटी को बोला कि अंदर वीडियो मत करो, छोड़ो, यहीं से तो भगवान जी दिख ही रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से अंदर गए, अंदर जाके हम लोगों ने पूजा वगैरह दिया हमारा जो है भगवान को, हमने हमारी मनोकामना पूरी बताई। मेरी बेटी को मैंने बोला कि फाइनल्स है, चलो भगवान जी से अच्छे से प्रेयर कर लो, क्योंकि वो भी है ना एग्ज़ाम देते देते थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाती है, सभी को है। और यहाँ पे जो है हमारी वृत्ति रानी है, इससे फिर से हम लोग मिल गए, हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी आए थे तो इसको भी, ये भी आई है तो पूजा देने के लिए, मम्मा के साथ खड़ी है, तो हम लोग इनसे भी मिल लिए। रात के अभी बहुत लेट हो रहा है, मतलब बहुत लेट आवर्स है, तो हम लोग उसके साथ ही मिलने के लिए स्पेशली हम लोग जाते ही है कि वृत्ति आएगी करके। लास्ट व्लॉग में आपने देखा भी होगा कि हम लोग इसके मुझूठन में गए थे, अन्नप्राशन में गए थे, तो यहाँ से इन लोग साथ मिलना जुलना हुआ। तो हम लोग का हो गया पूजा, भगवान दर्शन यहाँ पे। एक्चुअली दुर्गा पूजा तो जो था ना यहाँ पे हुआ था, इधर हुआ था ये वाले जगह में, और यहाँ जो है क्योंकि दुर्गा माँ का प्रतिमा लाना पड़ता है तो यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे शिव जी का पूरा मंदिर है, बहुत सारे देवी देवता हैं, यहाँ के भी लोकल देवी देवता का भी है। तो हम लोग का हो गया पूजा वगैरह, प्रसाद ले लिया है, अभी रात के बज रहे हैं 10। तो यहाँ पे पूजा 8 बजे के बाद ही स्टार्ट हुआ था क्योंकि शिवरात्रि है, रात को ही स्टार्ट हुआ। तो हो गया है अभी, और अभी हम लोग घर जाएंगे। ওগুলো আমি বসাবো সামনে বছর থেকে ভাবছি। হ্যাঁ কেন ও মা, স্কুলে ফিস্ট ফিস্ট হতো ওগুলো তো তো আনন্দ মেলা আমি পড়তাম। सो ये मंदिर के साथ ही ना एक बंगाली शॉप है, स्वीट शॉप है, जहाँ से हम लोगों ने स्वीट लिया। यहाँ पे बंगाली मतलब बंगाली पूजा में जो भी लगता है ना, जिसको हम लोग दशोगर्मा शॉप बोलते हैं, सब मिलता है सब। तो मेरे हबी अभी जा रहे हैं देखने के लिए कि कोलकाता का चौप और बेगुनी ये सब मिलता है कि नहीं, सब खत्म। रात के 10 बजे क्या मिलेगा। इतने दिनों के बाद ना, दिन नहीं साल के बाद हम लोग बंगाली से मिले, यहाँ पे सब बंगालीज हैं, मैक्सिमम बात कर रहे हैं। और मेरे हबी ने यहाँ पे पूछ लिया कि यहाँ पे चौप, अंधेरा है यहाँ पे, चौप और बेगुनी कहाँ से मिलेगा। कैसा लगा इतने दिन के बाद, मीन्स यू हैव स्पोकन विथ लाइक बंगाली पीपल, हाउ इट फील्स। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा बोलना भी बहुत कम है, इट्स लाइक इमोशन। बंगालीज कहीं भी चले जाए दे विल डेफिनेटली मिस कोलकाता, और ये जो कल्चर है ना पूजा वगैरह में जैसे कोलकाता में होता है ये कहीं भी नहीं होता, दैट्स फॉर श्योर। तो चलिए रात के 10 बज गए हैं गाइज, आज का वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अभी हम लोग घर जाएंगे, रात के बज रहे हैं 10 एंड अभी वेदर ना गर्मी है ना ठंड है, तो चलिए चलते हैं।